नमस्कार दोस्तों, यस के पी एन डिजिटल चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको लेके चल रहे हैं रामटेक, जो महाराष्ट्र। आज हम सीढ़ी से आपको वहाँ पर मंदिर तक का सफ़र दिखाने वाले हैं। ये अभी हम बस से हमारे सफ़र शुरू हो रहा है। आप देख रहे हैं कितनी धूप तप रही है, गर्मी बहुत है। ऐसे समय हम आपको रामटेक के दर्शन करा रहे हैं। ये रामटेक शहर है, आप देख रहे हैं तो राम मंदिर है वो ऊपर में राउंड मार के जाने पड़ता है ऐसा। ये वाली इधर से सीधा है ना? हाँ, यहाँ से सीधा है। ये हम आ चुके हैं रामटेक। यहाँ ये सीढ़ी है, यहाँ से कैसे आओ। ये ऊपर तक जाना है हमें। ये सुनसान रास्ता है, अभी आप आगे देखिएगा, स्किप ना करिएगा। हम इस सीढ़ी पर अकेले ही एक सफ़र कर रहे हैं। जो मंदिर आपको दिखाई दे रहा है वहाँ तक का हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करें। ऑटो से भी ऊपर तक का 100 रुपये चार्ज बोले और सीढ़ी तक का हमें 50 रुपये चार्ज लगा है। तो ऑटो से डायरेक्ट चढ़ जाते, इसलिए मैंने बोला आप लोगों को सीढ़ी से कभी रास्ता दिखाया जाए। देख रहे हैं आप, इतने ऊपर आ चुके हैं हम। यहाँ से हमें रामटेक पूरा दिखाई दे रहा है, पूरा नज़ारा है। और इधर पूरा झाड़ पेड़ पौधे पेड़ लगे हुए हैं। ये ऊपर तक के सीढ़ी गई है, उतने ऊपर हमको वहाँ तक जाना है। तो हम सीढ़ी से ऊपर चलते हैं और नज़ारे देखते हुए चलते हैं ऊपर से। ये हनुमान जी के मंदिर तक हम पहुंच चुके हैं। यहाँ से आप नीचे का लुक देख रहे हैं, वो ऊपर में मंदिर दिखाई दे रहा है। किस प्रकार दिखाई दे रहा है तपती धूप में? आप ऊपर चढ़ जाते हैं, फिर आप लोगों को दिखाते हैं। और कुछ देखने लायक दिखेगा तो आप लोगों को हम दिखाएंगे। कितनी क्या सीढ़ी है ये ऊपर ही जाने के बाद में पता चलेगा। हमको 10:30 बजे सावनेर से बस मिली और 2.5 घंटा लगा हमको वहाँ से यहाँ तक आने में। 80 रुपये टिकट लगा और ऑटो वाले ने 100 रुपये मंदिर तक बोल रहे थे, 50 रुपये सीढ़ी तक का हुआ। बोल सीढ़ी से मंदिर के दर्शन। वहाँ में दूर कहीं तालाब भी दिखाई दे रहा है, वहाँ के भी हम चलेंगे। ये देख रहे हैं आप, इसकी कहानी हम आप लोगों को पूरी बताएंगे। किला भी किले के समान बनाया गया है, छोटी पहाड़ी कहा जाता है ये मंदिर को। दोस्तों स्किप ना करिएगा, ऐसे ही मंदिर आपको यहाँ शंकर जी बैठे हुए हैं हम सफ़र में दिखाएंगे। ये शंकर जी का मंदिर है। हम सीढ़ी से आए हैं, सीढ़ी से जब आते हैं तो हमें यहाँ पर आराम भी कर सकते हैं। अभी तो बहुत तेज़ धूप है, अभी मैं इतने ऊपर आ चुका हूँ, आप देख अभी वो उतने ऊपर हमें जाना है। यहाँ से कुछ नज़ारा इस प्रकार आप लोगों को कैमरे से दिखाई दे रहा हूँगा। बड़े बड़े पत्थर की चट्टान है, ये आप देख सकते हैं। और मंदिर वो ऊपर दिखाई दे रहा है हमको। अभी आधा हम आ चुके हैं।
यहाँ पर शंकर जी का मंदिर दिखाई दिया, तो आप लोग उनको दर्शन कराने आए। ताला लगा है यहाँ पर अभी। अब हम और ऊपर चलते हैं। दोपहर के अभी 1 बज रहा है, 12:45 के आसपास दिखाई दे रहा है। ये देखो यहाँ पर, इधर से हमको ऊपर जाना था, ये वाला रास्ता है। ये वाले रास्ते से जाना था। बरसात के दिनों में बहुत अच्छे नज़ारे रहते। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको चारों तरफ का नज़ारा दिखा रहे हैं। यस KPN डिजिटल चैनल YouTube आपका स्वागत करता है। आप देख रहे हैं रामटेक, जहाँ की हम रामटेक आप घूमने के लिए आए हैं। ऊपर तक और सीढ़ी है, अभी चलते ही जाना है। ऑटो से आते तो ऊपर डायरेक्ट आ जाते, मगर ये सीढ़ी का जो नज़ारा है वो दिखा नहीं पाते आप लोगों को, क्योंकि बहुत अभी कम लोग आना पसंद करते हैं। क्योंकि नहीं कुछ तो कम से कम 400 होंगी, 500-600 सीढ़ी है जो कि हम अभी नीचे से ऊपर तक आए हैं। अभी और है सीढ़ी मंदिर तक के, यानी पूरा टोटल करीब 600 के आसपास सीढ़ी होगी। अभी हम आधे से भी ऊपर आ चुके हैं। ये सामने हमें एक गेट दिखाई दे रहा है बड़ा सा, अब इसके आगे भी देखते हैं। ये जो बाटलों में आप पानी देख रहे हैं ना, ये बाटल में पानी, ये हर झाड़ में आपको दिखाई देंगी। ये पक्षियों के लिए अभी धुपकाले के समय में पानी पीने के लिए रखा गया है। ये देखो, ये हर जगह आपको बहुत सारे झाड़ों में दिखाई दिया। ये गेट आ गए हम। ये बरसात के दिनों में और घना आपको हरा, इधर ना किधर, इधर 3 बजे खुलेगा, 12 बजे मंदिर बंद हो जाता है बोलते, फिर 3 बजे के आसपास मंदिर खुलता है। तो अभी तो अपना समय हो चुका है, 3 बजे तक के हमको इंतज़ार करना पड़ेगा। जब तक के हम इधर आजू बाजू के आप लोगों को नज़ारे दिखा देते हैं। ये वीडियो में आप लोगों को पूरा सीढ़ी से रास्ता दिखाया जा रहा है। वहाँ पर भी एक मंदिर है जो कि आप लोग देख सकते हो, वहाँ पर भी एक मंदिर है। हमें चलते हैं वहाँ पर भी, सीढ़ी के द्वारा हमें नीचे शंकर जी का मंदिर दिखाई दिया। और यहाँ पर देखते हैं पूरा आपको नज़ारा बताते हुए हम चलते हैं। वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं करे हैं तो लाइक कर लीजिए। वो मंदिर देखिए, वहाँ जाना हमको। छः सौ सीढ़ी रामटेक का सफ़र। यहाँ आने के बाद में बहुत हवा चल रही है, कितनी ठंडी हवा है। अब यहाँ थोड़ा आवाज़ की प्रॉब्लम हो जाएगी। यहाँ से आप पूरा नज़ारा देख सकते हैं रामटेक का। वो देखिए, आपको राम जी, श्री राम जी का मंदिर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर, यहाँ तक इन पहाड़ी में राम जी क्यों आए थे, भ्राता लक्ष्मण सीता, हम वीडियो के माध्यम से आपको पूरा बताएंगे। ये वीडियो आपको 2-3 भागों में देखने को मिलेगा, क्योंकि हम वीडियो को पूरा आपको बताने की कोशिश करते हैं। यहाँ से आप देख रहे हैं तालाब, हमको यहाँ से दिखाई दे रहे हैं, पूरा हमको रामटेक यहाँ से दिखाई दे रहा है। अभी हम आधे आए हैं, ये मंदिर आप दिखाई दे रहे हैं।
वो देखिए राम जी का मंदिर वहाँ से दिखाई दे रहा है यहाँ से हमको, अभी उतने दूर अभी हमको और जाना है। आप देख रहे हैं अभी आधे से भी थोड़ा कम में आए, आधे से थोड़ा ज़्यादा आ चुके हैं, अभी वहाँ तक हमको जाना है। हम आपको वहाँ का सफ़र दूसरे वीडियो में दिखाएंगे, ये भी अभी 12-13 मिनट का हो चुका है। और हम यहाँ एक महान ऋषि थे जिनको मिलने के लिए प्रभु राम, लक्ष्मण और सीता जी आई थी, इसलिए इसका नाम रामटेक पड़ा हुआ है। यहाँ से आप पूरा दृश्य देख रहे हैं, मैं रामटेक का दिखाते हुए आपको, यहाँ एक मंदिर है और पहले हनुमान जी का मिला था। कौन सा मंदिर है? ये शंकर जी का मंदिर है। ये हनुमान जी यहाँ पर भी बैठे हुए हैं, विराजमान हैं, और शंकर जी भी हैं। हमें जो भी रास्ते से हम भगवान राम से मिलने के लिए जाते हैं, हमें हर जगह हनुमान जी दर्शन देते हैं। बिना हनुमान जी के आज्ञा के आप कहीं नहीं जा सकते। ओम नमः शिवाय, हरि ओम। शंकर जी का मंदिर, जय ये शिव शंकर भगवान की त्रिशूल है। अब यहाँ हम थोड़ा लुक लेते हुए, क्योंकि हमारे पास में अभी समय है, 3 बजे मंदिर खुलेगा, इसलिए हम थोड़ा आराम से चल रहे हैं, क्योंकि हमें मालूम नहीं था कि मंदिर बंद हो जाता है। एक भी यहाँ पर कोई दिखाई नहीं दे रहा है, चारों तरफ जंगल ही जंगल है। बरसात में अच्छा हरा भरा रहता होगा यहाँ पर। अभी हम आधे से भी ज़्यादा ऊपर में आ चुके हैं, अभी और आगे चलते हैं। ये अभी और आगे सीढ़ी हमें दिखाई दे रही है, अभी और ऊपर हमें जाना है उस दुकानें। अगर नहीं भी आता है तो आप डिसलाइक तो कर दीजिए। ये देखिए हम मंदिर तक के आ चुके हैं, और सेकंड वीडियो में हम इनके अंदर का सफ़र बताएंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, इसी प्रकार के हम वीडियो अपलोड करते रहते हैं आपके लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो आपने यहाँ तक का हमारे साथ सफ़र करे हैं, अब इसके आगे जो आपको ये मंदिर दिखाई दे रहा है, इस मंदिर में कौन से भगवान हैं, आगे हमें क्या क्या देखने को मिलेगा, तो आप आने वाले वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और शेयर भी करें, कमेंट करें। और जो जाना चाहते हैं, रामटेक का सफ़र करना चाहते हैं, तो वहाँ तक भी आप जा सकते हैं। कोई भी मौसम रहे, कोई भी सीजन रहे, आप वहां तक का सफ़र कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका वीडियो पर बहुत बहुत धन्यवाद।